हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड. ओके, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन डिक्लेरेटिव, सेकेंड इम्परेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी. आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स. Now see, today we will do exercise related to these sentences, okay, kinds of sentences. Let's see what we have to do in this exercise, okay. Let's see. First one, identify the kind of sentences and write in the space provided. आइडेंटिफाई, आपको पहचानना है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और यहाँ पर उसको लिखना है. ठीक है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस. ये आपने चार देखा है, चार तरह के होते हैं, डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. तो आपको पहचानना है, आप इसमें आपने देखा है कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी अगर हम परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम कुछ पूछ रहे हैं किसी से, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है. ठीक है, और बाकी नॉर्मल कंडीशन में आप किसी को कमांड कर रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो, तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगता है. ये इम्परेटिव में है, बाकी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज वी हैव टू पुट फुल स्टॉप. इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी ऑलवेज राइट क्वेश्चन मार्क. ओके, एंड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वी हैव टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल, ये तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं. जैसे डिक्लेरेटिव है तो फुल स्टॉप लगता है, अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगता है, और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं तो उसमें ये आप यू कैन सी हियर एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर इस तरह से लगता है. अगर हमारा कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, जैसे आपका इंटरजेक्शन होता है, वाओ, इप्पी, हुर्रे, ये जो वर्ड्स दिए जाते हैं, अगर इस तरह से वर्ड आपको वहाँ पर डिफाइन किया गया है तो उसके बाद हम ये लगा देते हैं. अगर वैसा कुछ नहीं है तो हम लास्ट में यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. ठीक है, तो आप ये पंक्चुएशन मार्क देखकर आप समझ ही सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है. ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव है, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो वो एक्सक्लेमेटरी है, और अगर वहाँ पर फुल स्टॉप है तो डिक्लेरेटिव या इम्परेटिव हो सकता है. इसमें थोड़ा सा आपको देखना है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इम्परेटिव में आपको तीन बातों का ध्यान रखना है. वहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है, कमांड दिया गया है या रिक्वेस्ट की गई है या सजेशन दिया गया है. अगर ये तीन चीज़ें हैं तो वो इम्परेटिव है, अदरवाइज वो डिक्लेरेटिव है. ओके, नाउ सी फर्स्ट वन, दिस विंटर इज ब्यूटीफुल. ये सर्दियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं. दिस विंटर इज ब्यूटीफुल, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, आपको बताया जा रहा है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, तो इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, साधारण वाक्य है, सिंपल है, कुछ स्टेट किया गया, कुछ बताया गया है, तो इट्स अ डिक्लेरेटिव. सेकेंड, आर पूजा एंड आजिम प्लानिंग टू गो टू अमेरिका. क्या पूजा और आजिम अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? इट्स अ क्वेश्चन, सो इट्स अ इंट्रोगेटिव. थर्ड वन, प्रियंका एंड प्रीति स्टॉप गिगलिंग. प्रियंका एंड प्रीति स्टॉप गिगलिंग. ठीक है, यहाँ पर मना किया जा रहा है, प्रियंका और प्रीति स्टॉप गिगलिंग, तुम लोग मजाक करना बंद करो, हंसना बंद करो. तो यहाँ पर ये है इम्परेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है. ठीक है, स्टॉप गिगलिंग. विकास वेंट फॉर शॉपिंग. इट्स अ सिंपल सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इट्स अ डिक्लेरेटिव. वाओ, आरती इज गोइंग टू अटेंड अ न्यू स्कूल. यहाँ पर वाओ, ये हमारा लगा है साइन किस चीज़ का, एक्सक्लेमेशन का. ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, एंड विल द नेक्स्ट सेशन बी बेटर. क्या अगला सेशन इससे अच्छा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू राइट एक्सरसाइज जी इन योर कॉपी. ओके, एंड टुमारो आई विल गिव यू
नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।